हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बैठे हुए हैं बाटी चोखा की पार्टी पर। तो गाइस, आज हम लोग बाटी चोखा बना रहे हैं। देख सकते हैं मोहित भाई कैसे बाटी को भर रहे हैं। तो मोहित भाई, कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे आज बाटी चोखा बनाने का हमको भी। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि बाटी बन रही है यहाँ पर। और ये बाटी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ गोले बाटी बना के रखे गए हैं, अभी इसको पकाना भी है। तो बाटी कैसे भरते हैं इसको आपको दिखा रहे हैं कि पहले इसको लोहे को हम लोग लेते हैं थे, इसको गोल गोल करते हैं। उसमें जो मसाले होते हैं, ये मसाला है, आपको दिखाया गया है कि इस मसालों प्रकार से डाल देते हैं। फिर तो इसको इस प्रकार से ऐसे मोड़ा जाए ताकि ये मसाला बाहर ना आए। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये हमने इसको एकदम मोड़ दिया, मसाले को भर के एकदम इसको गोला कर दिया। अब इसको मैंने पैक कर दिया है। पैक करने के बाद इसको जो है और थोड़ा सा गोला कर देंगे ताकि पकने में थोड़ा सा आसानी हो। और आप देख सकते हैं कि ये बाटी एकदम गोली तैयार हो गई। अब इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं। साथ ही इस प्रकार बाटी तैयार करने का जो प्रोसीजर स्टार्टिंग स्टेज है यही है। उसके बाद आगे भी आपको दिखाएंगे कि बाकी पकाया कैसे जाता है, क्योंकि अभी अब हम लोग अनुभव कम है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखने का। और कभी कदार तो बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग बनाते भी हैं इस प्रकार सारी चीज़ों को। और बाटी चोखा क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में और बिहार में बाटी चोखा बड़ा फेमस है। और क्योंकि पूर्वांचल प्रयागराज पूर्वांचली क्षेत्र में आता है, लेकिन थोड़ा सा दूरी है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ बाटी वाले पूर्वांचल के ही फेमस हैं। उनकी बाटी बड़ी लाजवाब होती है और उनकी बाटी खाने के बाद जो है लगता है कि कोई दिव्य भोजन आपने किया है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार का मुख्य भोजन है, लेकिन आज देश के कोने कोने में मिल जाते हैं। जो बिहार के रहने वाले, यूपी के रहने वाले लोग हैं, वो जाते हैं अपनी बाटी चोखा की दुकान लगाते हैं, लेकिन जो दुकान की बाटी और घर की बाटी में बड़ा अंतर होता है। तो धन्यवाद साथियों, आगे दिखाते हैं। तो साथियों, अभी बने रहिएगा, और भी चीज़ें दिखाया जाएगा आपको। आप भी सीखिएगा, हम भी सीखेंगे, सब सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीख मिलती ही रहेगी साथियों। तो ऐसे बने रहिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, शिवशंकर देखिए कैसे आटा गूंद रहा है। शिवशंकर जी जरा इधर देखिए, आटा गूंथने में ये महारत हासिल किए हुए हैं, देख सकते हैं। और अरे अरे, पानी मत डालो भैया, तुम पानी मत डालो। ये बाटी की तैयारी कर रहे हैं, अब इस बाटी को ही आकार दिया जाएगा। तो शिवशंकर जी, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको आटा गूंथते हुए? मजा आ रहा है आपको? इससे पहले कितने बार गूंथ चुके हैं आप? बहुत बार। तो थोड़ा ताकत लगाइए। ताकत लग रही है। देख रहे हैं कि यहाँ बाटी पक रहा है। अब ये बाटी जो है पकाने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि बड़ी सबसे बड़ी महारत हासिल होती है इसमें पकाने की, क्योंकि बनता तो बड़े आसानी से है, लेकिन अब बनने के बाद उसको बढ़िया से पका लिया जाए उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत निगरानी रखनी पड़ती है। और उसके बाद ही ये बाटी तैयार है। ये रखा हुआ हमारे सामने आप देख सकते हैं बैंगन है, बैंगन के साथ आलू और टमाटर भी भूना जाता है इसी आग में, जो है जो आग जल रहा है। अभी ये तैयारियां चल रही हैं और इसमें अभी और भी बाटी पकाया जाएंगी। ये 20-25 लोगों का कार्यक्रम है यहाँ पे, तो उस हिसाब से जैसा भी लोगों का कार्यक्रम हो, जितने लोगों उसी हिसाब से सारी तैयारी करनी पड़ती है। और बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि धुआँ भी निकल रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, आग में तपना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम को। यहाँ बाटी तैयार हो रहा है। हमारे बगल में जो बैठे हुए तक हैं अनुराग पटेल जी हैं, और अनुराग पटेल जी क्योंकि बड़े संकुचित व्यक्ति है, जो है अपने मन के विचारों को जो है प्रकट नहीं करते हैं, केवल खबरों में अपने विचार को धड़ा धड़ निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो है ऐसे मुद्दे से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करते हैं। तो हम चाहते हैं कि अनुराग पटेल जी कुछ विचार व्यक्त करें इस बाटी के बारे में, अब कुछ अपना अनुभव भी शेयर करें। देखिए, बाटी चोखा जो है वो बाटी का नाम जब हम लोग सुनते हैं तो एक जरूर मन में तमाम जो विचार आते हैं कि यार बाटी बनेगी और उसको बड़े चाव से खाएंगे हम लोग। ऐसे में जो बाटी के अंदर का जो मटेरियल होता है
उसको देखकर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। काफी एक बार टाइम दिया है अब बाटी का मटेरियल अंदर का जो बनाया गया है मुझे उसको बाटी में भर रहे हैं और अभी हम लोग थोड़ी देर बाद बड़े चाव से इस बाटी को खाएंगे और इसका आनंद लेंगे पूरी तरह आप केवल खाने के लिए बैठे हैं लेकिन अपने और साथी हैं उनको इन्होंने मंत्र नहीं दिया सबसे बड़ी बात है देना चाहिए सभी लोग अब इस समय कहेंगे ताकि लोग ना आ पाए तो साथियों जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे से पूरा प्रक्रिया चल रही है। तो मोहित भाई कब तक ये बाटी कंप्लीट हो जाएगी? बाटी कंप्लीट कब तक हो जाएगी बाटी की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे बाटी बढ़ती जाएगी लोगों की बाटी बनाएंगे तो जो है आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। 40 लोग बनाएंगे तो जो है 2 घंटे भी लग सकते हैं। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है मोहित भाई का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है बाटी का। करने का मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि आगे संख्या कितने लोगों की है और कितनी बाटी संख्या है। तो अभी चल रही प्रक्रिया इंतजार तो करना ही पड़ता है क्योंकि अक्सर हम लोग जो है घर में बैठे बनाए भोजन तो खाते ही रहते हैं लेकिन अपने हाथ से बना के और इस तरीके मेहनत करके खाने का अलग ही आनंद होता है। दुकानदार जी भी अब बना बनाया खाता बड़ा चाव तो खाते हैं उनसे भी अभी कुछ काम करवाएंगे। तो अनुराग जी कितने लोगों का बन रहा है बाटी चोखा? देखिए मोहित भाई इसका बता सकते हैं हमको पता है क्योंकि अभी तो हमें अचानक हमको पता चला है। हेलो साथियों हमारे बीच निहाल जी भी आ चुके हैं। निहाल जी नमस्कार भैया। तो आज ये लिट्टी चोखा पार्टी पे आए हुए हैं तो आज हम लोग आए हैं लिट्टी चोखा के पार्टी पे। तो पार्टी की एकदम तैयारी हो चुकी है और उधर साइड लिट्टी हमारी बन रही है बन जाएगी तो फिर आप सभी को दिखाता हूँ कितना टेस्ट रहता है उसमें मैं खा के बताऊँगा आप सभी को एक्सपीरियंस दूंगा उस चीज़ का। तो साथियों हमारे बीच मौर्या जी भी आ चुके हैं। मौर्या जी देखिए बैठे हैं क्या कुछ आज कुछ क्या व्यवस्था है बताएंगे आप जान दिया जो है। तो मौर्या जी सरकार ने जाएगी मौर्या जी जो यहाँ बैठे हुए हैं मौर्या जी ने जो आज आलू लाई है प्याज लाया है धनिया लाई है मिर्चा लाई है इस कार्यक्रम के लिए। तो गाइस इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मौर्या जी हैं तो इनका तो साथियों जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाटी एकदम बन के रेडी हो चुकी है। फिलहाल तो देखने में बहुत टेस्टी लग रही है साथियों। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहें। तो अलविदा लेते हैं साथियों नमस्कार।